हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइकी पीयूष। दोस्तों, बड़े दिनों से मैं सोच रहा था आपको कुछ सैम्पल फ्लैट या जहाँ पे अपार्टमेंट्स होते हैं या हाउसेज जो हैं वो दिखाओ। तो स्टार्ट करते हैं 1 BHK अपार्टमेंट से। तो 1 BHK के लिए मुझे ज़्यादा कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं खुद ही 1 BHK अपार्टमेंट में रहता हूँ। तो आपको आज अपने फ्लैट के दर्शन करा देता हूँ कि कैसा यहाँ पे अपार्टमेंट्स कैसे होते हैं। तो मेरा जो है वो 1 बेडरूम अपार्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपार्टमेंट होते हैं, क्या क्या आपको चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं अपार्टमेंट्स में, और ठीक है, विच इज़ क्वाइट फाइन। थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरह के अपार्टमेंट्स होते हैं और क्या क्या आपको चीज़ें मिल जाती हैं उसमें, क्या रेंटल्स होते हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। फॉर अ कपल इट इज़ मोर देन इनफ, और फॉर अ कपल एंड अ स्मॉल बेबी इट इज़ मोर देन इनफ अ 1 BHK अपार्टमेंट। दो मैं अभी अकेला रहता हूँ यहाँ पे, तो विच इज़ ऑल्सो फाइन। यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ स्टूडियो अपार्टमेंट, बट स्टूडियो में क्या होता है कि यू एज अ कपल यू कैन स्टे, बट अगर आपका कोई और साथ में है तो वो नहीं रह सकते। तो इट इज़ सिमिलर टू अ 1 BHK सेटअप। 1 BHK में थोड़ा आपको एडिशनली स्पेस मिल जाता है, एंड यू हैव अ किचन इज़ वेल। मोस्ट ऑफ द स्टूडियोज़ में किचन नहीं होती ऑप्शन यहाँ पे, बट कभी कभार छोटा सा स्लैब मिल जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में अपना ही अपार्टमेंट आज दिखाता हूँ, एंड जस्ट हैव अ लुक एंड सी हाउ इट इज़। सो यू गेट टू नो मोर अबाउट यहाँ पे जो नेदरलैंड्स में किस तरह के अपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं और कैसे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं हूँ अपने अपार्टमेंट के सामने। ये मैं आपको बता दूँ, ये मेरा यहाँ से अपार्टमेंट से जब मैं एंटर करता हूँ, दिस इज़ द काइंड ऑफ व्यू। और ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का एरिया है। सो दिस इज़ द व्यू। और सामने अगर आप देख रहे हैं ना, जहाँ से वो गाड़ियाँ आ रही हैं, बस उसी के पास में यू हैव दी मार्केट्स जहाँ से आप सामान वगैरह ले सकते हो। ये थोड़े हाई राइजेज हैं यहाँ पर, एंड आई एम करेंटली स्टेइंग इन एम्स्टरडम, विच इज़ वेरी क्लोज टू एम्स्टरडम। सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ईजिली गो टू एम्स्टरडम एज वेल फ्रॉम हियर। तो आप तो देखिए कि ये किस तरह का एरिया है। सो ये मैं सिर्फ आपको बाहर से दिखा रहा हूँ कि किस तरह का एरिया है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि नीचे क्या है। तो ये देखिए, ये कैनाल है, और ये नीचे मेरी ही जो बिल्डिंग है उसमें ये पार्किंग स्पेस है, और ये है यहाँ का जो मैं थोड़ा सा आपको सराउंडिंग्स दिखाना चाह रहा था। तो ठीक है, मैं आ गया हूँ अपने फ्लोर पे। मैं रहता हूँ 3rd फ्लोर। सो दिस इज़ दी अपार्टमेंट, एंड दिस इज़ माय अपार्टमेंट। सो इफ वी कम फ्रॉम हेयर, तो ये खोल लेते हैं। मैंने पहले से डोर ओपन किया हुआ है। तो ये है अपार्टमेंट की एंट्री। सो इफ यू सी हियर, एज सून एज यू एंटर यू हैव दिस शू रैक इन विच यू कैन कीप योर शूज एंड ऑल। यहाँ पे एक स्पेस है टू हैंग योर क्लोथ्स एंड ऑल, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है कि जब आप बाहर से आते हैं तो यू नीड अ स्पेस। सो हम यहीं पर आ जाते हैं। ये सबसे पहले है दी रूम, और डिसेंट इनफ रूम है, मोर देन ओके साइज फॉर 2 पीपल। हालांकि यहाँ पे अभी देखिएगा कि आप ये पूरा कर्टन्स हैं, और यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो टेबल है, दिस इज़ एन ऑफिशियल सेटअप जो ऑफिस की तरफ से, बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग फ्रॉम होम। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो यहाँ पे है, जो आपको डबल बेड है, आपको कुशन कवर्स वगैरह हैं, और ये जो भी है ये सब प्रोवाइडेड बाय दी लैंडलॉर्ड, राइट। सो ये फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज़ अ टेलीविजन इज़ वेल आउट हियर। इफ यू सी, यू हैव दी अलमीरा, इट्स अ 3-डोर अलमीरा, यू कैन कीप योर स्टफ हियर, राइट। एंड सो इट्स ईजी टू यू नो कीप योर स्टफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव हीटिंग थिंग ओवर है, यहाँ पे ये हीटर होता है हर घर में और हर रूम में। सो यू कैन जस्ट स्विच इट ऑन, एंड यहाँ पे एक लार्ज विंडो है इफ़ यू सी। तो आपको अच्छी खासी यहाँ पे पूरी रोशनी पूरे दिन आती है। सो यू डोंट एक्चुअली नीड
टू स्विच ऑन द लाइट्स, अच्छा खासा है और अच्छा खासा हीटर भी है और अच्छा रूम है. मतलब इफ़ यू सी, इफ आई टर्न्ड ऑफ द लाइट्स, दिस इज़ द नेचुरल लाइट विच इज़ कमिंग इन, जो बहुत बढ़िया है, राइट. सो ठीक है, दिस इज़ द रूम. और चलिए बाहर चलते हैं. तो सबसे पहले बाहर निकलते ही मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज़ द बाथरूम हेयर. सो इफ यू जस्ट स्विच इट ऑन, यू विल कम टू नो एंड यू कैन हैव अ लुक द काइंड ऑफ बाथरूम इट इज़. बहुत अच्छा लग्जूरियस बाथरूम है, छोटा है बट इट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि ये यहाँ पे इतने ज़्यादा बड़े अपार्टमेंट्स नहीं होते. और देयर इज़ अ सेपरेट कंपार्टमेंट टू टेक शावर इनसाइड, सो यू कैन जस्ट ओपन अप एंड गो इनसाइड एंड टेक अ शावर. मोर ओवर यहाँ पे कैबिनेट्स हैं टू कीप योर स्टफ, और मिरर है, एंड क्वाइट नीट एंड क्लीन बाथरूम इट इज़. ठीक है जी, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट रूम में. तो ये जैसे ही हम बाथरूम से निकलते हैं, दिस इज द वे एंड दिस इज द किचन है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड विच इज़ अ गुड इनफ किचन. टू स्लैब्स ऑन बोथ साइड, मतलब आपको बहुत इजीली आपको काम करने में सही रहता है. यू हैव एन ओवन है साथ में, दिस इज केटल है, और साथ में यू हैव खाना बनाने के लिए इंडक्शन. सो यहाँ पे चिमनी है, यू हैव स्पेस टू कीप योर स्टफ ओवर हेयर विच इज़ गुड. इधर की तरफ देख लेते हैं, सो यू हैव अ वॉशिंग मशीन है. यहाँ पे ज़्यादातर वॉशिंग मशीन किचन में ही होती है, एंड दिस इज़ अ डिश वॉशर. मेरे भी आज संडे हैं तो मेरे भी कपड़े ज़रा धुल रहे हैं. और साथ में यहाँ देखिए तो कॉफ़ी मेकर है, यहाँ पे सैंडविच टोस्टर है, यू हैव मिक्सी. मिक्सी ये पर्सनल है, यहाँ पे थोड़ा मेरा सामान है. और अगर इधर की तरफ देखें तो यू हैव नॉर्मल यूटेंसिल्स. यहाँ पे अगर देखते हैं तो यू हैव माइक्रोवेव विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. यहाँ पे नीचे अगर हम देखें तो यू हैव अ स्पेस टू कीप योर स्टफ, यू हैव अ रेफ्रिजरेटर विच इज़ गुड इनफ. तो काफ़ी मतलब डिसेंट किचन है इफ़ यू वॉन्ट टू यू नो, इफ इट इज़ देयर फॉर वन और टू पीपल इट इज़ गुड इनफ. ओवन भी है और बाकी जो नॉर्मल स्टफ़ है वो भी है, एंड अच्छा है. यहाँ पे एक इंटरकॉम है, सो कोई भी अगर आता है तो यहाँ पे उसकी इमेज दिखती है नीचे से, सो यू कैन एक्चुअली सी हु द पर्सन इज़, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू ओपन आप यहाँ से खोल सकते हैं. चलिए आ जाते हैं अपने ड्राइंग रूम में. सो दिस इज़ द ड्राइंग रूम, वी सी इट्स अ डिसेंट इनफ ड्राइंग रूम, एंड यस इट्स डाइनिंग इन अ ड्राइंग रूम. सो यू हैव अ डाइनिंग टेबल फॉर फोर पीपल, यू अगेन हैव सिंगल सोफा हेयर, यू हैव एलईडी टीवी हेयर, यू हैव इंटरनेट कनेक्शन, एंड दिस इज़ जो आपका सोफ़ा सेटअप है विच इज़ क्वाइट नाइस, राइट. एंड इफ वी सी फ्रॉम हेयर यू हैव द डाइनिंग टेबल. ये है यहाँ पे गैलरी, तो भी देख लेते हैं. काफ़ी अच्छी बड़ी विंडो है मेरे लिए यहाँ पे. सो इफ़ यू सी फ्रॉम हेयर इट्स अ वेरी ओपन, वेरी लार्ज विंडो है, सो यू गेट द नेचुरल लाइट. सो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैं क्योंकि लाइट्स वगैरह मैं चलाता नहीं हूँ ज़्यादा, आई प्रेफर नेचुरल लाइट्स. मैंने ये सारी लाइट्स जो हैं बंद कर दी हैं, एंड जस्ट सी कि कितनी रोशनी नेचुरल लाइट जो है वो पूरे घर में, पूरे रूम में यहाँ पे आपको मिल जाती है, राइट. सो गुड इनफ है और ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती नहीं है, और ऊपर से मैं तो इसको काफ़ी हद तक पूरा ही हटा देता हूँ, एंड काफ़ी नेचुरल लाइट आपको मिल जाती है. हाँ, यहाँ पे भी एक हीटर है, ये आप देख सकते हैं, और ये अच्छा खासा बड़ा हीटर है, और आपको अच्छी खासी हीटिंग करके ये दे देता है. चलिए चलते हैं बालकनी में. तो ये है बालकनी, और ये अच्छी डिसेंट बालकनी है. यू हैव अ स्पेस फॉर
सिटिंग ओवर हियर, ज़्यादातर हम बाहर बैठते नहीं हैं, ठंड बहुत होती है। और अच्छी खासी बालकनी है, ये मेरा बालकनी का व्यू है। यू सी इट्स एन अपार्टमेंट सो यू कैन सी एज टू हाउ इट इज़। ये देखिए पेड़ों का क्या हाल हुआ हुआ है अभी, क्योंकि ठंड बहुत है और फॉल सीज़न जा चुका है ऑलमोस्ट, और ये पेड़ हो गए हैं खाली। और अगर इधर देखें हम तो दिस इज़ दी व्यू फ्रॉम माई बालकनी, एंड इफ यू मूव इट ऑन द अदर साइड यू कैन सी एक्चुअली व्हाट ऑल इज देयर। ये देखिए सामने अपार्टमेंट्स हैं, ये अगेन कैनाल है, यू हैव अ पार्किंग स्पेस हेयर, जो नीचे पार्किंग वगैरह हो रही हैं गाड़ियाँ। लेकिन अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये आपको चार कुछ अनोखे से आपको बीच में गाड़ियों के बीच में दिख रहे होंगे। ये एक्चुअली जो हैं ये डस्टबिन्स हैं, ठीक है, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, प्लास्टिक, तो उस तरह से सेग्रीगेटेड हैं। और इसके लिए भी गीले कूड़े वगैरह के लिए आपके पास एक पास होता है, कार्ड होता है, जो आपको उसके थ्रू ही आप इसमें कूड़ा डाल सकते हैं। एंड कुछ ऐसे वैसे आप नहीं कर सकते कि आप मतलब गीले कूड़े की जगह में प्लास्टिक डाल रहे हैं या कुछ डाल रहे हैं, तो यहाँ पे पेनल्टी का भी थोड़ा सा चक्कर रहता है। चलिए ठीक है, तो ये अपार्टमेंट है, सामने भाई साहब सफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही होता है कि बहुत पत्ते गिर जाते हैं, तो ये जो पानी वानी बारिश बहुत होती है यहाँ पे तो भर जाता है थोड़ा सा, तो इसलिए ये पत्ते वगैरह हटा रहे हैं वो। ठीक है, तो कहते हैं बात आगे। तो दोस्तों यही था, मैं आपको थोड़ा सा अपार्टमेंट दिखाना चाह रहा था। दिस इज़ अ 1 BHK अपार्टमेंट, थोड़ा सा अच्छा अपार्टमेंट है और क्वाइट नाइस टू स्टे और डिसेंट अपार्टमेंट है। यू गेट मोस्टली एवरीथिंग जो आपको एक नॉर्मल रिक्वायर्ड होता है व्हेन यू कमिंग आउट और यू स्टेइंग समवेयर। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको अपार्टमेंट में साथ में मिल जाती हैं, बट फिर भी आपको काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको लेनी पड़ती हैं, तो ऑफकोर्स विच यू हैव टू बाई, सो ऑफकोर्स नो ऑप्शन, वरना मोस्ट ऑफ द बेसिक थिंग्स आपको मिल जाती हैं अपार्टमेंट में, सो यू डोंट हैव टू बाई सच अगर आप फुली फर्निश्ड लेते हैं। कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ नैदरलैंड्स में, ये वाला जो अपार्टमेंट है ये तकरीबन 1600 प्लस दी 1600 इज़ द नॉर्मल कॉस्ट प्लस दी यूटिलिटीज़, जो तकरीबन 200 से 300 के बीच में मंथली आता है, विच कॉस्ट यू समवेयर अराउंड आप कह सकते हैं कि 1800 या 1900 भी पहुंच जाता है कभी कभार, बट दैट्स द कॉस्ट, इट्स अ 1 बेडरूम। कॉस्टिंग अभी जो अपार्टमेंट्स की है यहाँ पे थोड़ी महंगी हो गई है, तो एम्स्टर बीन वैसे भी थोड़ा सा महंगा इलाका है, तो बिल्कुल क्योंकि नैदरलैंड्स के बिल्कुल साथ में है तो इट इज़ बिट कॉस्टली एज वेल। तो इसी वजह से थोड़ा सा रेंटल्स अभी पिछले 1-1.5 साल में थोड़े बढ़ भी गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। तो मेजर जो इनका रेंटल्स बढ़े हैं वो लास्ट 7 से 8 महीनों में बढ़े हैं, तो अभी है ये जो जो कॉस्टिंग यहाँ पे पड़ रही है। और 2 बेडरूम जो है वो भी आपको तकरीबन 1700-1800 से मिलना शुरू हो जाता है, तकरीबन 2500-2600 तक पड़ता है। ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ पर ले रहे हैं, कितना बड़ा अपार्टमेंट ले रहे हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, मार्केट कहाँ पर है, बस स्टेशन कितनी दूर है। मेरे घर के बिल्कुल नीचे बस स्टेशन है, बस स्टॉप है, सॉरी बस स्टेशन नहीं है, बस स्टेशन तो ऑफ कोर्स थोड़ा बड़ा हो जाता है, सेंट्रल स्टेशन जिसको कहते हैं, जहाँ से कनेक्टिंग सारी बसें जाती हैं, बट मेरे घर के नीचे बस स्टैंड है और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है बस स्टेशन, तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे आप बस पकड़िए, 3-4 स्टेशन के बाद उतर जाइए, बसेस आती रहती हैं। लीजिए मैं आपको एक अभी बस दिखाई देता हूँ सामने से जा रही है, देखिए ये बस है, ये यहीं से जा रही है और ये आती रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सही रहता है कम्यूट करें। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ रह रहे हैं, उसी हिसाब से आपके जो रेंटल्स होते हैं वो यहाँ पे आपको पड़ते हैं। दैट इज़ इट गाइस। तो मैं आपको ये थोड़ा सा अपना अपार्टमेंट दिखाना चाह रहा था आज, बाकी कुछ भी होता है तो ऑफकोर्स यू कैन लेट मी नो एंड आई विल अपडेट यू। जस्ट आस्क मी एनीथिंग अबाउट एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क थिंग्स अबाउट नैदरलैंड्स, या फिर जॉब के लिए, रहने के लिए, या कुछ और भी अगर आप पूछना चाहें तो ऑफकोर्स यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट दैट।
Moreover, I do post videos around anything and everything around India. मैं बहुत रिसेंटली आया हूँ नैदरलैंड्स में, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंडिया के बारे में भी, जो भी सिचुएशन चल रही है अभी कोविड की भी, वो भी मैं आपको देता रहता हूँ. सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, और ध्यान रखिए अपना. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय.